नौकरी घोटाला का इन्होंने आरोप लगाया है जब तेजस्वी जी नाबालिग थे। जब जब चुनाव आता है तो इन भाजपाइयों का सीधे जो एजेंसी इन्होंने एक क्रिएट करके रखा है, जो जांच एजेंसी है, एक खुला एजेंसी है, उसका ये सीधे नरेंद्र मोदी जी दुरुपयोग करते हैं। अब तो मोदी जी का भी नाम भी लेना मुश्किल हो गया है। कल का आप देखिए कि उनके नाम लेकर अगर राहुल गांधी बयान देते हैं, गांधी का कल सांसद का सदस्यता खत्म हो गया है। इतनी औकात नहीं कि बिहार के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करे। बिहार के डिप्टी सीएम और जन जन के नेता, युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव जी आज सीबीआई दफ्तर में हर उस नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मेरे साथ है युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, और आज जो है तेजस्वी यादव जी का दिल्ली में कोर्ट पेशी हुई है, जहां पे उनका पूछताछ चल रहा है, और उसी विषय पे हम इनसे बात करने की आज कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी चैनल के माध्यम से श्रोतागण देख रहे हैं, मेरा उनको प्रणाम। अच्छा, एक बात बताइए, आज जो तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए हैं, तो खबर ये निकल के आ रही है कि उनको आज उनकी जो है आज गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, ये जो मामला है नौकरी घोटाला का, इन्होंने आरोप लगाया है जब तेजस्वी जी नाबालिग थे, तब का एक केस का मामला है। और आज जब जब चुनाव नजदीक आता है, जब जब किसी ना किसी माध्यम से, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2015 का चुनाव हो, या 2020 का चुनाव हो, या अभी चुनाव जो होने जा रहा है 2024 का, जब जब चुनाव आता है तो इन भाजपाइयों का सीधे जो एजेंसी इन्होंने एक क्रिएट करके रखा है, जो जांच एजेंसी है, एक खुला एजेंसी है, उसका ये सीधे नरेंद्र मोदी जी दुरुपयोग करते हैं। अब तो मोदी जी का भी नाम भी लेना मुश्किल हो गया है। कल का आप देखिए कि उनके नाम लेकर अगर राहुल गांधी बयान देते हैं कि निर्मल मोदी जैसा व्यक्ति देश को लूटकर फरार हो जाता है, तो उनका एक बयान आया था इसी नाम पर कि मोदी नाम का जो भी व्यक्ति है वो चोर क्यों होता है, उस पर मानहानि का केस हुआ और राहुल गांधी का कल सांसद का सदस्यता खत्म हो गया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, साजिश करके आप सीबीआई दफ्तर बुला सकते हैं, लेकिन सीबीआई में इतनी औकात नहीं कि बिहार के डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करे। बिहार के डिप्टी सीएम और जन जन के नेता, युवाओं के चहेता तेजस्वी यादव जी आज सीबीआई दफ्तर में हर उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जो सीबीआई और जो केंद्र सरकार के एजेंसियों से पूछताछ होने जा रही है, उसमें कतई पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग लड़ने वाले हैं, झुकने वाले नहीं है।